मंगलवार को उत्तरकाशी के नालूपानी में गंगोत्री दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को ले जा रही बस नदी में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 24 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक बस में मध्य प्रदेश के 29 श्रद्धालु सवार थे। वहीं हादसे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने गहरा दुख जताते हुए परिजनों को 1,00,000 और घायलों को 50,000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके साथ ही सीएम ने घटना की मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश भी दिए। मध्य प्रदेश से ये बस निकली थी, 29 श्रद्धालु थे, चारधाम यात्रा के लिए जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान बस खाई पे जा गिरी, भागीरथी नदी में गिरी और इसमें 24 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। 5 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से और पुलिस की मदद से लोगों को निकालने के लिए, राहत और बचाव के लिए तेजी से काम शुरू हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि गहरी खाई में और नीचे भागीरथी नदी बहती, उसी में ये बस जा गई। रेस्क्यू कर लिए गए हैं, वो घायल हैं लेकिन आउट ऑफ डेंजर हैं जी, जिनमें 3 थोड़े गंभीर हैं, बाकी 4 लोग, सभी 7 लोग बोल रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, शॉक पे भी हैं। 20 बॉडीज रिकवर हो गई है, ये मुझे अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी ने बताया। जो कैजुअलिटीज हैं, एक बस के लिए हमने पूरा टेरी को अलर्ट किया है हर चेक पे उसको बताने के लिए, और कमिश्नर इंदौर साहब से भी मेरी बात हुई है कि जो 2 बस में उनके, क्योंकि उनका भी उनके परिजनों से संपर्क हो गया है बेतमा के, कमिश्नर साहब ने बताया, तो मैंने कहा जो एक बस में और लोग हैं उनसे कृपया आप फोन से कॉन्टेक्ट करके बताइए कि वो रुक जाएं और एक बस उनकी गिर गई। तो हर तरह से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो बस के लोगों को भी पता लगे और वो तत्काल लौट आएं।